दोस्तों भारत में सैम पित्रोदा दूरसंचार क्रांति के एक जनक हैं और उन्होंने ईवीएम पे एक ऐसा बयान दिया है, ईवीएम पे एक ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में ईवीएम एक बड़ा खतरा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आगे की वीडियो में आप सुनिए और जरा समझिए कि क्या सैम पित्रोदा ने जो बात कही है वो हकीकत है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी, या हकीकत से इसका वास्ता है। और अगर हकीकत से इसका वास्ता है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में ईवीएम एक बड़ा खतरा है। सैम पित्रोदा भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक है। सैम का पूरा नाम सत्यनारायण पित्रोदा हुआ करता था, जो अमेरिका में काम करने के दौरान चेक पर बड़ा नाम होने के चलते बदलकर सैम कर दिया गया। सैम 1980 में अमेरिका में दुनिया की पहली डिजिटल कंपनी में से एक विस्काम स्विचिंग में काम कर रहे थे। आगे चलकर सैम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, इसमें उनकी हिस्सेदारी भी हो गई। भारत में बहुत से लोग जब कार सेवक बनने की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई से दूर जनता को हिंदू बनाने में लगे थे, तब सैम इस कंपनी को $40 लाख में बेच चुके थे। उसके बाद वो भारत आते हैं, भारत से जो कुछ लिया था उसे लौटाने का फैसला करते हैं, अपनी पूरी शक्ति से काम में जुट जाते हैं। 1984 में सैम 10,000 रुपए की तनख्वाह ठुकरा देते हैं। उनको लगता है कि देश ने उनको बहुत कुछ दिया है, वो देश को देने में यकीन रखते हैं, बदले में कुछ लेने में नहीं। उनके पास शानदार तकनीकी शिक्षा थी, अमेरिका में काम करने का अनुभव था, लेकिन वो अमेरिका में उस भविष्य को छोड़कर आए थे जो उनको अरबों रुपए की संपदा का मालिक बना सकता था। वो लगभग वही समय था जब लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए की परीक्षा पास कर रहे थे। गुजरात यूनिवर्सिटी का ऐसा दावा है कि इस डिग्री से देश पर राज करने की तैयारी हो जाती है। जिन लोगों ने अपने घरों में टेलीविजन लगवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, जो दूर दराज से गांव से तहसील और जिलों तक एक फोन के लिए भटकते थे, सैम पित्रोदा का असली अर्थ वही समझते हैं। सैम भारत के सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञों में से एक है। मशीनों और तकनीकों के बारे में हमारे मुकाबले निसंदेह अधिक जानकारी रखते हैं और इसलिए ईवीएम मशीन के बारे में उनके विचार और सुझाव को जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर क्या कहता है, कि क्या चुनाव आयोग की ये बातें सही हैं या फिर सैम पित्रोदा की बातें सही हैं। उससे पहले आप सुनिए कि ईवीएम के लेकर चुनाव आयोग क्या कहता है। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है, इससे किसी भी तरह की कोई नेटवर्क जुड़ा नहीं होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीन किसी कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। वोटिंग के बाद इसे सील बंद कर दिया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर क्या बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल संभव है। भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था, तभी से समस्या शुरू हुई। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं। ये SLU बहुत से सवाल खड़े करता है, ये कहना है सैम पित्रोदा का। SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से भाजपा को वोट मिल रहा है, किस बटन से कांग्रेस को वोट जा रहा है, किस बटन से अन्य को वोट जा रहा है। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसे प्रोग्राम में फिट किया जाता है। SLU जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती और इसमें हर तरह के काम किए जा सकते हैं जिसकी बात इस समय देश में हो रही है। मतलब इसलिए सैम पित्रोदा चाहते हैं कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो अभी थर्मल प्रिंटर से निकलती है और उसे हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसकी जगह एक ऐसा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जिससे निकली पर्ची को अगले 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा बिंदु उन्होंने ये कहा कि ये पर्ची केवल कुछ समय के लिए ही वोटर को ना दिखाई जाए, बल्कि एक कागज पर प्रिंट होकर उसे मिले जिसे वो अलग से रखे एक बॉक्स में वोट के रूप में डाल सके। ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा ना हो। उसके बाद बॉक्स में डाली गई वोट की पर्चियों की गिनती की जाए। आगे उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात कहना है सैम पित्रोदा का। उन्होंने आगे कहा कि एक प्रोफेशनल होने के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि
हेरा फेरी की गई हो, लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेरा फेरी की जा सकती है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आगे एक बात और कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। ये बात श्याम पित्रोदा ने कही। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतर कर जमकर आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार का विकल्प पर विचार करना चाहिए। और राहुल गांधी ईवीएम के मुद्दे को लेकर गंभीर है, इस पर मेरी उनसे बातचीत हुई है। ये बात श्याम पित्रोदा ने कहा कि मेरी राहुल गांधी से बातचीत हुई है। ये स्वीकार करना संभव नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना राहुल अमेठी से चुनाव हार गए। मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। ये बात श्याम पित्रोदा ने कही है, जो भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक है। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।